स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान का, चित्रा जैन जी का। नमस्कार चित्रा जी। नमस्कार, स्वागत है आपका रस्म रसोई में। धन्यवाद चित्रा जी। आपके हस्बैंड इंजीनियर हैं, आपकी बेटी भी इंजीनियरिंग पढ़ रही है, कॉलेज जाती है, तो उनके इतने बिजी शेड्यूल में आप टाइम निकाल लेती हैं कि उनके लिए हेल्दी खाना भी बनाया जाए, और सुबह सुबह जल्दी में होते होंगे तो जल्दी भी खाना बनाना होता है, तो कैसे करती हैं आप ये सब कुछ? हाँ, ये मेरे पास, वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, टाइम मेरे पास होता है, लेकिन घर में क्योंकि सबको बहुत जल्दी जल्दी जाना होता है तो क्विकली ही काम करना पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए मैं माइक्रोवेव कुकिंग बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ, जिसमें बहुत फटाफट खाना बन जाता है। okay. और उसके सारे पौष्टिक तत्व भी रहते हैं। और आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हैं, तो माइक्रोवेव को अच्छी तरह ऑपरेट करना भी आता है? हाँ, वो भी आता है। और मैं फटाफट रेसिपीज को भी कंप्यूटर से डाउनलोड भी कर लेती हूँ। हाँ। निकाल भी लेती हूँ। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर एक्सपर्ट होने का। हाँ, जरूर। ओके, तो आज आप हमें क्या बनाने सिखा रही हैं? आज हम बनाएंगे स्पेगेटी इन टोमेटो सॉस। तो चित्रा जी, देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हाँ, इसके लिए हमें चाहिए मक्खन, ओरिगेनो, हरा कटा प्याज, मशरूम, बेबी कॉर्न, मैदा जी, नमक, काली मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च के फ्लेक्स, चीज जो कि ग्रेट किया हुआ होना चाहिए, ब्रेड क्रम्स, टोमेटोज जिसको कि हमने काट के रखा है, इसमें बीज नहीं होने चाहिए, पार्सले, और साथ में टोमेटो प्यूरी। इसके अलावा हमें चाहिए दूध और स्पेगेटी जो कि हम बॉईल करके रखेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास बॉईल करके रखी हुई है। हाँ जी। ओके, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले क्या करेंगे चित्रा जी? सबसे पहले हम एक माइक्रोवेव प्रूफ डिश लेंगे। okay. और इसके अंदर हम डालेंगे मेल्टेड बटर 2 टेबल स्पून, ओरिगेनो 2 टेबल स्पून, हरा प्याज जो कि बारीक हमने काट के रखा है, जो उसका सफेद पार्ट है, सफेद पार्ट भी हम डाल देंगे और हरा पार्ट भी डालेंगे। ठीक है, तो दोनों हमने करीब 2-2 चम्मच डाल दिया। हाँ। और फिर इसके बाद हम डालेंगे मशरूम, ये भी हम 2 टेबलस्पून ले लेंगे। ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अब हम 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। ओके, तो मैं इसको रख दूं? हाँ जी। ठीक है। तीन मिनट हो गए हैं, तो शेफ अब आप बाहर निकाल लीजिए जिससे हम और आगे बनाएं उसे। बिल्कुल। वाओ। तो सारी सब्जियां यहाँ पर ऑलमोस्ट पक चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा चित्रा जी? अब हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले मैदा। मैदा, ओके। ये भी हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। अब हम इसके साथ में नमक स्वादानुसार, ओके, काली मिर्च पिसी हुई जी लगभग 1/4 चम्मच, ओके, और लाल मिर्च के फ्लेक्स लगभग 1 चम्मच, ओके, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो ये हम तैयारी कर रहे हैं सॉस की। हाँ। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको फिर से माइक्रोवेव करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। ओके, तीस सेकेंड हो चुके हैं, अब मैं इस डिश को बाहर निकाल लेता हूं। अब इसमें हमारा मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। ओके। दूध लगभग हम 1 कप डाल सकते हैं जी। फिर से माइक्रोवेव करेंगे लगभग 6 मिनट के लिए। 6 मिनट के लिए, ठीक है। छह मिनट हो चुके हैं, अब इस डिश को फिर से बाहर निकाल लेते हैं। तो व्हाइट सॉस हमारे पास रेडी है, अब हम इसे टोमेटो सॉस बना देंगे। हाँ, ओके। इसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। ओके। और इसे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके। देखिए नाइस रेड कलर आ रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पेगेटी।
रखी है? ये हमने पहले से ब्लांच करके रखी है। ओके। अब पहले हम ये स्पेगेटी अच्छे से मिक्स कर देंगे सॉस में। सॉस में। ओके। अब बचे हुए इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए जाएंगे। ओके। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें ब्रेड क्रम्स। ओके। लगभग 2 छोटे चम्मच। ठीक है। एक तरह से कवर कर देंगे इस पूरे को। ओके। टोमेटोज जिसके हमने बीज पहले से निकाल रखे हैं। ओके। थोड़ा सा पार्सले। चीज को सबसे ऊपर से डालेंगे। हाथ से डालना ठीक है जी। ये तो ऑलमोस्ट एक तरह का बेक्ड पास्ता हम बना रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। इसको अब हम फिर से माइक्रोवेव करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए ठीक है। दो मिनट हो चुके हैं, अब माइक्रोवेव डिश को बाहर निकाल लेते हैं। चित्रा जी तैयार है? ये बिल्कुल तैयार है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। बिल्कुल। अब बिल्कुल रेडी टू सर्व। ओके। तो तैयार है हमारे पास गर्मा गर्म स्पेगेटी विद टमेटो सॉस। खासकर बैचलर्स इसकी रेसिपी अच्छी तरह नोट कर लें। स्पेगेटी इन टमेटो सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए मक्खन 2 बड़े चम्मच, कटा हरा प्याज 4 बड़े चम्मच, कटे मशरूम्स 2 बड़े चम्मच, कटा बेबी कॉर्न 2 बड़े चम्मच, मैदा 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, पिसी काली मिर्च 1/4 छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 छोटा चम्मच, दूध 1 कटोरी, टमेटो प्यूरी 2 बड़े चम्मच, उबली स्पेगेटी 1 कटोरी, ब्रेड क्रम्स 2 छोटे चम्मच, कटा टमाटर 1, कटा पार्सले 2 छोटे चम्मच, कसा चीज 2 बड़े चम्मच। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक बर्तन में मक्खन लें, इसमें ओरिगानो, हरा प्याज, मशरूम्स और बेबी कॉर्न मिलाएं। इसे 3 मिनट तक अवन में रखें। अब इसमें मैदा, नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स मिलाएं। फिर से 30 सेकंड तक अवन में रखें। इसे निकाल कर दूध मिलाएं और 6 मिनट तक अवन में रखें। अब इसमें टोमेटो प्यूरे, स्पेगेटी, ब्रेड क्रम्स, कटा टमाटर, पार्सले और चीज डालें। अवन में बेक करें 2 मिनट तक। तैयार है स्पेगेटी विद टोमेटो सॉस।